दोस्तों त्योहारों का मौसम आ चुका है और शायद आप लोग शॉपिंग करने की भी सोच रहे होंगे। और दोस्तों आप इस फेस्टिव सीजन में एक नया स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हैं, आपका बजट 15,000 रुपए से कम है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं टॉप 5 स्मार्टफोन की लिस्ट बताने वाला हूँ जिन्हें दोस्तों आप खरीदने का मन बना सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल बुदीन यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों 29 सितंबर यानी आज से ढेरों ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल्स की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरे थ्रू बताई गई 5 स्मार्टफोन्स की अगर दोस्तों आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो शायद आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई प्राइस के कंपैरिजन में उससे भी कम प्राइस देखने को मिल सकती है। दोस्तों सबसे पहले बजट स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें पहला स्मार्टफोन रेडमी A3। दोस्तों इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 12,999 रुपए है। इसमें दोस्तों आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, 6.8 इंच 720x1560 पिक्सल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दोस्तों इस स्मार्टफोन के रियर में 3 कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेंगे, 48MP प्लस 8MP और प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों इस स्मार्टफोन में सेल्फी के लिए भी 32MP का सेंसर दिया गया है। साथ ही इस फोन के बैटरी की ओर देखें तो इसमें 4030mAh की बैटरी का दम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड्रॉइड 9 पाई भी मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन की। तो दोस्तों दूसरा स्मार्टफोन Realme 5 Pro। दोस्तों Realme के इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 13,999 रुपए है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर, क्वाड रियर कैमरा सेटअप। दोस्तों इस स्मार्टफोन के 4 रियर कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे जिसमें से पहला सेंसर 48MP का, दूसरा सेंसर 8MP का, तीसरा सेंसर 2MP का और चौथा सेंसर 2MP का वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों सेल्फी के लिए भी आपको 16MP का कैमरा मिलेगा। दोस्तों इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले साइज 6.3 इंच का फुल HD+ डुअल ड्रॉप फुल स्क्रीन देखने को मिलेगी और साथ ही साथ 4045mAh की बैटरी और एंड्रॉइड 9 पाई बेस्ड कलर OS 6.0 सिस्टम मिलता है। दोस्तों हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर Realme 3 Pro आता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 12,999 रुपए है। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर, एड्रेनो 616, GPU डुअल रियर कैमरा जिसमें पहला सेंसर 16MP का और प्लस दूसरा सेंसर 5MP का है। सेल्फी के लिए भी आपको 25MP का कैमरा देखने को मिलेगा। इस फोन के बैटरी दम की बात करें तो 4045mAh की बैटरी, 6.30 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, डुअल ड्रॉप स्क्रीन और एंड्रॉइड 9 पाई पर बेस्ट कलर OS 6.0 मिलता है। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे स्मार्टफोन की तरफ भी रुख कर लेते हैं। चौथे स्मार्टफोन Motorola One X। दोस्तों जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमारे इस लिस्ट में 15,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों Motorola One Action की इस स्मार्टफोन की प्राइस 13,999 रुपए। दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में आपको सैमसंग का ऑक्टाकोर एक्सिनोस 9609 प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन की डिस्प्ले 6.3 इंच का 1080x2520 पिक्सल IPS का इसमें HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोस्तों साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें से पहला सेंसर 16MP का, दूसरा सेंसर 12MP का और तीसरा सेंसर 5MP का दिया गया है। दोस्तों सेल्फी के लिए भी 12MP का कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही बैकअप के लिए 3500 बैटरी और एंड्रॉइड 9 पाई वर्जन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हमारे लिस्ट के 5वें और आखिरी स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा 5th स्मार्टफोन Redmi Note 7 Pro। दोस्तों इस स्मार्टफोन की कीमत 13,999 रुपए है। इसमें आपको ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर, 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल डिस्प्ले दिया गया है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको पीछे की ओर 2 ही रियर कैमरे देखने को मिलते हैं जिसमें से पहला सेंसर 48MP का और दूसरा सेंसर 5MP का दिया गया है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और साथ ही इस स्मार्टफोन में 4000mAh बैटरी का दम और लेटेस्ट एंड्रॉइड 9 पाई पर बेस्ट MIUI 10 मिलता है। ये थे मेरे टॉप 5 रिकमेंडेड स्मार्टफोन्स। तो बस दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं इस तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।